Which camera? Okay. That one? Okay. Mission Mangal, mission over Mars, as is the name of our show. You're right, abhi kuch hi ghanton mein aane wala hai, and I'm very excited. I don't know how to even convey my excitement, honestly. हम लोगों ने इस पे बहुत मेहनत की है. हमने ये एक ऐसी स्टोरी है जो मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ वुमेन जिन्होंने हमारे देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है, राइट. एंड उनमें से एक को रिप्रेजेंट करना, डिपिक्ट करना मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग है. एंड द फैक्ट दैट नाउ वी आर रेडी टू बी आउट देयर एंड फॉर एवरीबॉडी टू सी इट इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग. मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है मेगन रेड्डी. तो मेगन एक ऐसी लड़की है जिसे साइंस के सिवा और कुछ समझ में नहीं आता. तो आप उससे साइंस की बातें करवा लो, वो अच्छे से कर लेगी. लेकिन जिसे कहते हैं कि उसका आईक्यू बहुत हाई है लेकिन उसका ईक्यू बहुत लो है. सो शी कैन टॉक साइंस विद यू बट शी हैज़ नो सोशल स्किल्स. सो इट वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट, क्योंकि एज एक्टर्स यू नो वी आर मेंट टू हैव हाई इमोशंस एंड देन देयर यू आर आउट देयर प्लेइंग अ कैरेक्टर व्हिच इज़ वेरी लो ऑन इमोशंस. तो दैट वे इट्स अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर फॉर मी. इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्चुअली. या या इसरो की टीम से मैं ये कहना चाहूँगी, आई मीन मोर देन एनीथिंग एल्स आई वांट टू से दैट थैंक यू वेरी मच. और जो लोग ये कहते हैं हम मून के करीब पहुँच गए, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक हम मून पर पहुँच गए हैं. यू नो वी आर देयर एंड हम सबके फिंगर्स क्रॉस्ड हैं एज वी नो दैट यू नो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो. बट जस्ट द फैक्ट दैट वी हैव रीच्ड एज फार एज वी हैव एंड is a feat which, you know, like mission like the Mars mission, here's a bunch of people who put a satellite in Mars orbit in its very first attempt, and we have as a nation we have so much to be proud of. To main bahut bahut proud Indian hu and main isro se thank you kehna chahungi for setting this example that hopefully the rest of us can walk in our respective fields. So thank you very much. Thank you. देखिए धरती पे तो हम लोग ने कर लिया जो करना था, अब जो ऊपर करना है वो हम देखना चाहते हैं. एंड जैसे कि आपने अभी थोड़ी मिस्टेक की, मिशन मंगल बोल दिया, मिशन ओवर मार्स, एक्चुअली वही है. अभी बोलते हैं ना फ्लेवर ऑफ द सीजन, तो हम वही देखना चाहते हैं. एंड आई एम डैम एक्साइटेड टू सी दिस एंड यू कैन सी आई एम द फर्स्ट वन आई थिंक सो टू. नहीं और लोग आ चुके हैं बट द थिंग इज, चलो मैं अपने आप को खुश कर रखता हूँ. दैट्स द रीज़न के जैसे मुझे आया इन्विटेशन दैट टुडे इज़ द स्क्रीनिंग, सो आई वॉज डैम एक्साइटेड एंड आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई शुड कम एंड सी दिस. एंड ऑल्ट के साथ तो मेरा पहले से रिलेशन बहुत अच्छा है. आई हैव डन टू वेब सीरीज विद देम एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी इवन टू फर्स्ट टाइम थोड़ा कम प्रेशर में देखना, क्योंकि इट्स अ थिंग वेयर आई विल नाउ एंजॉय द होल थिंग. सो आई एम डैम एक्साइटेड. यू नो हमारा चंद्रयान 2 भी पहुंच चुका है जी. चंद्रयान पे
क्योंकि आप डायरेक्टर, इसलिए ऐसे आप फिल्म बनाने की कुछ सोच रहे हैं आप इन फ्यूचर में? हम आपको देखेंगे लाइक हॉल्ट वाला जी के जरिए जी फिल्म, मतलब आप सोच रहे हैं सर? सर हमारी फिल्म लाइन में कुछ भी मुमकिन है, तो फिंगर्स क्रॉस एंड यू नेवर नो. आपने जो अभी बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ होती है जो हम बोलते हैं और वो सच हो जाती है, तो अभी ये शायद वो वक्त और वो ग्रहण शायद मिल रहे हैं, और आपने जो बोली तो वो बात भी सच हो सकती है. एंड लुकिंग फॉरवर्ड, हम लोग तो क्रिएटिव लोग हैं, आई एम अ राइटर देन अ डायरेक्टर, सो वी ऑलवेज लुक फॉर स्क्रिप्ट. एंड अगर इस तरह से कुछ बन जाती है, कुछ अच्छी चीज़ एक्साइटिंग, सो व्हाई नॉट. थैंक यू. मॉम को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी. ऑफकोर्स ऑल्ट बालाजी एंड एवरी वन इन द एंटायर टीम, बहुत ही हैपनिंग टॉपिक है, तो आई गेस इट्स गोइंग टू गार्नर अ लॉट ऑफ आई बॉल्स, आई होप एक्चुअली. एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऑल द एपिसोड्स ऑन ऑल्ट. बहुत 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 ज़्यादा प्राउड मोमेंट है. आई रिमेंबर 1:50 AM हम टीवी देख रहे थे, होपिंग फॉर अ गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, एनी न्यूज़, यू नो, जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी. यू गॉट ऑल ऑफ आर होप्स अप. इसरो ने हम सबके होप्स को बहुत हाई पहुंचा दिया, एंड आई रियली फील दैट आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, ऑलवेज हैव बीन एंड ऑलवेज विल बी, एंड आई एम ग्लैड दैट we have reached where we are reaching, and this is just the beginning. There are lots and lots of things to conquer. I'm so proud of ISRO. जी बिल्कुल, आप मुझे देख सकते हैं ऑल्ट बालाजी पे. मेरा नया शो आने वाला है बहुत जल्द, फितरत, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. इट शुड बी आउट समवेयर इन अक्टूबर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई होप यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट टू. फितरत क्या है, आप मुझे बताओ फितरत का मतलब क्या है? हाँ, बहुत दिनों के बाद दिख रही हूँ. मेरा नया शो है फितरत. इट्स ऑल अबाउट नेचर, इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर. फितरत जो कहते हैं इंसान की फितरत, तो आई एम नॉट प्लेइंग अ आउट एंड आउट पॉजिटिव कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम प्लेइंग समथिंग, एवरी वन इज प्लेइंग समथिंग ग्रे, सो इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच. थैंक यू. जी जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ऑल्ट बालाजी के साथ एसोसिएशन रहा है मेरा बारिश के ज़रिए, एंड अब इनका ये शो मॉम आ रहा है. मिशन मंगल से अभी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, काफ़ी कुछ जानता हूँ इस मिशन के बारे में, और अब इस कहानी का पोटेंशियल बिल्कुल ऐसा है कि एक वेब शो में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी शायद फिल्म में कवर नहीं कर पाई, बिकॉज फिल्म की लेंथ अभी उतने तक हो सकती है. तो ये वेब शो में बहुत कुछ और हमें उसकी गहराई समझने में आएगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग. इसरो टीम को यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बेहद बेहद गर्व महसूस करते हैं, उन्होंने जो कमाल का काम अब तक किया है और आगे भी करते जाएंगे, और वी आर प्राउड ऑफ देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, एंड इवेंचुअली दिस विल इम्पैक्ट ऑल आवर लाइव्स, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आई फील एक्सट्रीमली प्राउड. इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. मुझे ऐसी फिल्में करना पसंद होती है जो मिडल ऑफ द लाइन है, जो कमर्शियली भी सक्सेसफुल रहे, और साथ ही साथ ऐसा कुछ कह सके
जिससे लोगों को कुछ और जानकारी या एक और एक एस्पेक्ट देखने और समझने में मिले. तो ऐसा मिशन होने के जरिए हुआ है एंड आई एम रियली वेरी प्राउड. सर, बारिश में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ऑल्ट बालाजी की जो वेब सीरीज में. जब भी बनेगा सीजन टू अगर बनती है तो आई बी मोर देन हैप्पी. आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन इट सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे. एक्चुअली एकता के ट्वीट के जरिए पता लगा कि जो 6 दिन में टारगेट अचीव करना था, नहीं सॉरी 6 हफ्ते में टारगेट अचीव करना था, वो 6 दिन में हो गया. तो आई अज्यूम कि अच्छा ही होगा सब कुछ. सर साथ में कर लेते हैं. सर यहाँ पे लेते हैं. नाम ही गलत बोल रहे हैं. ओवर मार्स. ऑन मार्स. ओवर मार्स. कई सारी बातें इसमें एकता जी ने बनाया तो ये बताने की आवश्यकता है नहीं कि एकता जी में मेरा विश्वास कितना गहरा है. और जो स्टारकास्ट है, साक्षी जी हैं, मोना जी हैं जो मेरी को-स्टार है, कहने का मतलब है बहुत ही टैलेंटेड स्टारकास्ट है. और अच्छा यहाँ देख के बोल पूरा फिर से बोलना पड़ेगा. तो अभी अभी आया हूँ, देखना है शो. मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही कमाल का शो होगा. बेहतर होगा कि हम एक बार मैं शो देख लूँ, उसके बाद हम एक बार फैलाते हैं. पहुँच गए ना हम लोग. हाँ, तो एक हिस्सा 2.1 किलोमीटर दूर रह गया, दूसरा हिस्सा तो पहुँच गया ना. अब संपर्क सिद्ध नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा. मैं ट्विटर पे विश कर चुका हूँ और मैंने ये कहा था कि संपर्क टूटा है, साहस अभी भी है, संकल्प अभी भी है. चंद्रमा कौन सा दूर है, आइए बाहर दिखाता हूँ आपको, सामने ही है. कौन सा अवार्ड मिला? अच्छा, हाँ हाँ, बहुत जब भी मुझे कोई पुरस्कार मिलता है मैं क्या हम सब के परिवार हैं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलानी पड़ती है, हमको किचन चलाना पड़ता है. लेकिन मैं दृढ़ विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि एक अभिनेता जो होता है या कोई भी आर्टिस्ट, वो तालियों की गड़गड़ाहट से ज़्यादा उसके लिए कुछ मायने नहीं है. तो जब वो कोई काम करता है उसके पुरस्कार जो होता है वो जो हमारे फैंस होते हैं, हमारी जनता होती है, उनके प्रेम का प्रतीक होता है. तो वो जब दिया जाता है आपको हाथ में, उससे बड़ी खुशी कोई है नहीं. तो इससे आगे मैं क्या कहूँ. और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे अवार्ड मुझे ही मिले इस साल. अच्छा, राइट. ओके, बोलो. मॉम अभी थोड़ी देर में पूरी दुनिया के सामने आने वाली है और इसमें किस तरह से फीमेल साइंटिस्ट ने किस तरह से अपने मन से काम किया है जिस वजह से हिंदुस्तान को
प्राइड दिया है उसके ऊपर ये शो है। बहुत ही बेहतरीन शो है, बहुत अच्छे से लिखा गया है, शूट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है। बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेसेस, एक्टर्स और टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। एंड ऑफ कोर्स एकता जी, सो एकता जी का शो है तो इट हैज़ टू बी गुड एंड आई थिंक इट विल बी अ वंडरफुल शो एंड पीपल विल थोरली एंजॉय इट। थैंक यू। मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ, आप लोग शायद थे भी नहीं तब से हम जानते हैं दूसरे को। मैं भी बहुत छोटी हूँ। हाँ छोटे हैं बहुत। हाँ ओके ओके। हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए क्योंकि टाइमिंग बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक यू नो आई एम मोस्ट एक्साइटेड बिकॉज द टाइमिंग ऑफ द शो टू कम आउट इज ब्रिलियंट। वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड यू नो वट एवर वी ऑल फीलिंग दो दिन पहले, सो उसके हिसाब से इट्स अ गुड टाइमिंग, इट्स अ गुड टाइम फॉर दिस शो टू कम आउट एंड पीपल टू वॉच इट बिकॉज एवरी वन इज राइडिंग हाई ऑन दोज इमोशंस, सो इट्स गुड। इट्स ब्रिलियंट बट आई नेवर डाउटेड कि हम नहीं यू नो पहुँचेंगे। आई थिंक इंडिया इज़ नोन फॉर बींग साइंटिफिकली एक्सट्रीमली एडवांस्ड एंड वी सेंड आउट पीपल हु हैंडल टेक्नोलॉजी ऑफ द होल वर्ल्ड, सो इट ओनली मेक्स सेंस फॉर अस टू गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली प्राउड एंड हैप्पी एंड it's good, you know, in whatever little capacity, aise events in the country inspire you to do whatever you can do in your capacity to do something big, you know, so it's nice. isro ki team ko kuch kehna chahenge jo abhi bhi chandrayaan 2 se communication karne ki koshish kar raha hai, aapke andaaz mein? mere andaaz mein main kahungi ki they know what they're doing. Main kya bol sakti hu? I will just say kudos and hats off to the whole team and it's amazing what they're doing and the whole country is behind them. Hum sab unhe support kar rahe hain aur hum sab chahte hain that the best should come out of it and sabka hard work and dedication because a lot goes behind this. So much permutation combination, mahino ki, saalo ki mehnat. So I really really hope that it's fruitful for them and us. मतलब अभी एक चीज हो रही है तो सब वही करेंगे। मैं वेब सीरीज एक की है मैंने जो आने वाली है बूट के लिए और उसमें मैं ऑफिसर प्ले कर रही हूँ बट मैं आई एम नॉट रिलेटेड टू द स्पेस, आई एम रिलेटेड टू क्या बोलते हैं उसको, फॉरेंसिक एंड मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी बट या आई एम डूइंग समथिंग इन विच आई एम प्लेइंग एन ऑफिसर बट नॉट अ साइंटिफिक ऑफिसर बट आई वुड लव टू बट आई थिंक दैट्स वाई वी आर हियर टू वॉच मॉम। देर आर सम ब्रिलियंट एक्टर्स इन द शो सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। किसका? बहुत मज़ा आया, यू नो एक अथॉरिटी आ जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज में व्हेन यू आर ऑन सेट, यू जस्ट फील लाइक यू नो यू फील वेरी जेंडर न्यूट्रल फर्स्टली एंड वो एक फीलिंग आई सबसे पहली दैट यू नो देर वॉज नो लाइक आई एम अ गर्ल, आई वॉज द ओनली गर्ल कैरेक्टर इन दैट होल शो, एवरी वन एल्स वॉज मेल ऑफिसर्स, मैं एक अकेली थी जो लड़की थी बट you know it was very nice and I could actually identify with all the women who work alongside men and they work like equals, so it was good, it was a really good feeling. Thank you. Look here.
Dude, I'm just excited about content today on... Oh, can't talk just to him. Now you feel left out. Okay. So basically, you'll have to edit the first part out. Then I'm going to say the whole thing again. So basically, I am at a stage in life where I'm excited for every project which comes on OTT platforms. Because I think the story बताने का जो मज़ा है, देखने का जो मज़ा है, एक्सपीरियंस करने का मज़ा है, सब कुछ बदल चुका है. एंड ऑफ कोर्स, एज आई हैव ऑलवेज सेड कि वॉचिंग अ मूवी विल ऑलवेज रिमेन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. बिल्कुल उसी तरह वेब सीरीज देखने का और उसे एक लंबे फॉर्मेट में उसे अब्सॉर्ब करने का जो मज़ा है, बिल्कुल अलग है. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस स्टोरी. मोस्ट पीपल विल से, अरे ये तो फिल्म अभी बनी थी, अभी बनी है, यू नो. बट यू कैन नेवर एवर से के अ स्टोरी कांट बी टोल्ड इन मोर देन वन वे. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द वे दिस इज बीइंग सेट. And I'm quite excited because I think it's a very important subject and मैं देखना चाहती हूँ कि क्या बना है. काफी ज़्यादा. As I said, I think it's a very important subject and I think all the actors are powerhouse performers. साक्षी मैम के साथ मैं काम कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत and पलोमी is a very good friend. So I'm really excited to see आई होप सो. भगवान की दुआ होगी तो ज़रूर देखेंगे. अभी मेरी वेब सीरीज़ आने वाली है असुरा, जो बूट में है, ये ज़रूर देखेगा. आई थिंक वो अक्टूबर के आसपास आएगी. शूट में बहुत अच्छा रहा. अगेन तनवीर जो बालाजी के साथ पहले एसोसिएटेड थे, उन्होंने बनाई है. अर्शद वारसी हैं इसमें, बोमन रानी सॉरी वरुण सोती हैं एंड दिदी है. और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो मैं वहीं पे आ जाती हूँ. एक्साइटिंग एक्चुअली क्योंकि फिलहाल रिसेंटली हमने चंद्रयान देखा था और अब दिस मेक्स मी फील लाइक मैं ये फिर से देख रही हूँ. लेकिन ये यहाँ पे मार्स का मिशन है और वो मून का मिशन था. तो इट एक्चुअली फील्स रियली नाइस. जो मोमेंट ऑफ प्राइड था हमारे लिए वो वापस महसूस करने मिलेगा मुझे यहाँ पे फिर से. एंड इट इज़ रियली नाइस दैट समथिंग लाइक दिस हैज़ बीन मेड एज अ वेब सीरीज. आई थिंक हम सब इंडियंस की तरफ से आई विश देम एवरी लक इन आई मीन ऑल लक इन सक्सेस. एंड ऑब्वियसली देर आर मोर प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव एंड वी ऑल ऑफ यू हम सब बहुत ही प्राउड है कि आप यहाँ तक पहुँचे. इट्स नॉट अ फेलियर, इट इज सक्सेस. वी रीच great heights and we all believe in you. Hopefully soon. Let's wait. Okay ma'am, park sir bhi nahi aaye na hai. Nahi aaye abhi tak. Aa rahe hain. Nahi aaye. Aayenge aayenge. Main directly shoot se aa rahi hu. Okay, aap direct shoot. Main directly shoot se aa rahi hu. Okay, kaafi twist turn chal rahe hain shoots mein bhi. बहुत से ट्विस्ट हैं. ये तो कसौटी है. कसौटी में अगर ट्विस्ट नहीं होगा तो और क्या होगा. ओके, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, थोड़ा कुछ बताना चाहिए. क्योंकि एक्सीडेंट होता है और आप वहाँ पर जाते हैं
अनुराग की तरफ ही भागेगी और अनुराग से प्यार करती है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चली जाती है। तो मिस्टर बजाज मतलब रिप्लेस होएगी कि रिप्लेस क्यों होगी? नहीं मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर बजाज को छोड़ के अनुराग के पास जाने का, प्रेरणा हमेशा अनुराग के पास ही जाती थी तो अभी भी अनुराग के पास ही जाएगी, मिस्टर बजाज के पास क्यों जाएगी? ओके और एक खबर आ रही है लीना खान रिप्लेस होने जा रही है के रोल में, आप क्या कहना चाहिए, कौन आने वाला है? ये मुझे खबर आपसे पता चल रही है क्योंकि अब तक हमें पता भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और I don't know who's going to be in Kamolika again, if not her. Okay, thank you so much. Thank you. Left to right, Lydia. Thank you. Okay. सबसे पहले तो सवाल पूछो, आपका जो आउटफिट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। क्या हो गया ना, मेरा वो जैसे एसो स्पेस चालू होता है मेरा ऐसा अंदर के अंदर फैशन जागने लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ जरा इंटरेस्टिंग। सो पिछले साल I was just like all over the place, very fantasy, but this year I've gotten more real and but yet quirky. That's what I'd like to do. Okay. Yeah, mom ka naam hi mom hai, and I think the way it's been written, it's so beautiful. I've been lucky enough to see some of the episodes beforehand, and I think one of the strongest cast that could be ensembled together has been brought together here, and I'm a big, big Sakshi fan. I want to work with her very soon, hopefully. And the way it's been written, the way it's been produced, you'll love it. And I said, Sakshi Tanwar is back. And I love watching her on screen every single time she comes. So, chahe wo dangal ho, chahe wo kahani ho, chahe wo koi bhi project ho, unka, she's always been so fantastic. Okay, because iske alawa baat kar raha mission, you know, wo moon India ne first attempt mein unhone clear kiya hai, Chandrayaan 2. Haan, please karo complete karna. So, how proud moment is for you? You know, it is a proud moment not just for me, for every Indian. And it is so important for us to be standing while our country is going ahead and doing missions such as Chandrayaan 2, because it's important to progress not just in arts but in science in every field. And it is very important to know that not even US or the other countries were able to do it in the first attempt. So itna niche mat karo, kuch log bahut zyada ekdam se excited ho jate, but it takes time and I'm sure the second time we do it will be successful. My wish nahi, I would like to thank them. Thank you very much for the entire team jo aapne itni mehnat kari and you've made us all proud. Okay, except this space ki baat kare, wahan par do lovebird ek aur mil gaye JP aur Varun ke. So what do you have to tell about them? यार वहाँ दो नहीं लव बर्ड्स मिले, बहुत सारे मिल रहे हैं वहाँ, लव बर्ड्स चलते रहते हैं। आई थिंक अभी राइट नाउ वी जस्ट हैड बसीर एंड लुसिंडा, नाउ वी हैव सलमान एंड निकिता। तो ऐसे तो होगा ना, जब यहाँ यंग लोग एक साथ एक रूम में रहेंगे और एक घर में बंद रहेंगे तो कुछ नहीं होता, या तो लड़ाई करते या प्यार करते, आपस में यही चलता है। I'm really excited. I like all the characters and I've been working a lot, so I'm gonna go and watch it. I'm also very, excited and looking forward to see all the episodes tonight. You know, mothers play such an important role in our lives, and making a series on that is such an amazing thing. So, and yeah, I don't think Indian television has ever seen a concept like this. So, yeah. You know, our mothers are really geniuses. Like, they do a lot of for us. Absolutely. I love rain, yeah. I know it's thoda problem ho raha hai, but I love rain specially. So, मुझे भुट्टा खाने में, पकोड़े खाने में बड़ा मजा आता है, तो मेरा तो वही हाल है, पेट भी बाहर आ गया। अब बताओ।
पकौड़े खा खा के. मुझे भी एग्जैक्टली सेम. आई लव रेन. मतलब आई लैंडेड इन बॉम्बे टुडे और बारिश हो रही थी, कुछ ड्रिजलिंग. लोग चिंता कर रहे थे कि क्यों बारिश हो रही, बट एब्सोल्युटली मुझे तो बहुत पसंद है. मैंने और अपनी बेस्ट फ्रेंड ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों ने दो तीन दिन पहले जब बहुत बारिश हो रही थी तो हम नीचे जाके पार्किंग लॉट में हमने डांस भी किया था चाक धूम धूम. आई थिंक आई फील वेरी यंग व्हेन इट्स रेनिंग. मिशन ओवर मार्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे. क्या कहना चाहेंगे? It's really good. I saw the movie also, and I feel aaj jo concept hai, jo series ban rahi hai, wo bhi it's about how Vidya Balan, who's playing the mother, and how she got Puri, and the whole story is about that thing. I don't know if you watched it. You watched it? I've not yet watched it. Yeah. So and you know, hamara jo Chandrayaan 2 hai, wo bhi pahunch chuka hai Chandrayaan. I'm sure we wish them good luck, and you know, Indians agar aise achievements karte rahe to yeah, we are really really proud. Get somewhere big. Absolutely. Thank you so much, guys. Thank you. Okay, ma'am. काफी excitement है. आज शुक्रिया. Streaming होने जा रहा है कल. कितने excitement है आप अपने? मैं तो बहुत खुश हूँ. मुझे लगता है कि हमारे पूरे इंडिया को ये शो देखना चाहिए. Because this is a success story that made that is related to India. ISRO achieved something which was so beautiful. सबको देखना चाहिए. मैं बहुत excited हूँ. वो जो experience आपका कैसा रहा experience? वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस. मैंने इतना कुछ सीखा है अबाउट साइंस, स्पेस, सैटेलाइट्स. इट वॉज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव. मतलब एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. अभी जस्ट मिशन मंगल फिल्म रिलीज. हाँ, लोगों ने उसको काफ़ी देखा है जी. आपकी जो सीरीज में ऐसा क्या अलग होने वाला, क्योंकि यहाँ पे चार महिला है, वहाँ पे एक अक्षय कुमार रहते हैं, यहाँ पे आप चारों महिलाओं ने आग लगाई. वेल, आग लगा दी आपने, आंसर कर दिया, इसीलिए देखना चाहिए. नहीं सी, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो सिमिलर होती हैं, लेकिन हर एक का एक यू नो डिफरेंट अप्रोच होता है स्टोरी टेलिंग का. तो आई एम श्योर हमारा शो मिशन मंगल से अलग होगा, बट एंड सबको पता है कि क्या हुआ है. सो दिस इज़ अ डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी, इसीलिए देखना चाहिए. Okay, as you mentioned about ISRO, so how proud you feel, you know, India has attempt, first attempt, come time, come paisa, they made the mission possible. It is a brilliant achievement for ISRO. I am very happy that I am an Indian and ISRO exists in India, and we have such brilliant scientists here. Ma'am, one of the research was such a screening se kis tarah se hota hai, feeling nervous hai. पता नहीं, अभी बड़ी अजीब फीलिंग हो रही है, बिकॉज आई एम लेट एंड आई एम नेवर लेट. तो शुरू हो गया है एंड आई एम फीलिंग एंग्जाइटी, क्यूरियोसिटी है कि क्या रिएक्शंस चल रहे होंगे अंदर. नहीं तो मैं जब अपने आप को देखती हूँ, सबसे पहले मैं ही सीटी बजाती हूँ. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच. जी एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड, बिकॉज ये बहुत बड़ा शो है और यहाँ पे ओके बहुत बड़ा शो है और स्पेशली कमिंग बैक टू जब एक लास्ट मंथ आप एक देखते हो एक सिमिलर टॉपिक पे एक मिशन मंगल करके फिल्म आई थी, इतनी बड़ी पैमाने पर लोगों ने देखा, उसे पसंद किया. तो ऐसे सब्जेक्ट पे बनाना जिसमें हमारे हमारा देश इंक्लूड होता है, पेट्रियोटिज्म इंक्लूड होती है, और देश के लिए इतना कुछ इसरो ने किया है, तो इतना कुछ देखने को बनता है कि बहुत सारे स्टोरीज़ हैं उसमें, बहुत सारे साइंटिस्ट की कहानियाँ हैं, पर्सनल कहानियाँ हैं, क्या उनको स्ट्रगल करना पड़ा वो फाइनल मिशन तक पहुँचने के लिए. तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू वॉच ऑल द स्टोरीज एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस एपिक से मॉम सीरीज. या सर, जब आप भी वेब सीरीज करते थे तो धमाल मचा देते थे, मतलब काफ़ी लोग पसंद करते थे, तो जी. आने वाले दिनों में कब आप ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज में आप देखिए? जी एक्चुअली बहुत जल्द, इनफैक्ट इसी साल. तो कौन सा है वो मैं अभी फिलहाल आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक.
But yes, इसी साल we going on the floors next month I think. So we'll be shooting soon, and it's a great show. And all I can say is that I'm pretty much excited, or a complete different avatar, a different character of what you've seen. जी एक्चुअली इसरो वॉज जो चंद्रयान 2 था वो एक प्राउड मोमेंट था हमारे देश के लिए. एक वो बहुत ही मुझे नहीं लगता जिंदगी के बाद ऐसे कम क्षण आते जहाँ पर हम एक ऑड आस पे जगह रहकर हम लोग पूरा देश इकट्ठा होकर एक हमारे देश के लिए कुछ 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 देखना चाहते हैं, कुछ कुछ महसूस करना चाहते हैं. तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग थी जहाँ पर पूरा देश इकट्ठा हुआ था इंक्लूडिंग द PM. And it was very disappointing to see that it couldn't succeed towards the last moment, which was the last आखिर के दो मिनट थे. But nevertheless, हमने जो efforts डाले हैं और हम जो efforts डालने वाले हैं आगे future में भी, we've always always stayed away. और ये लोग जो है वो हमेशा अपने limelight से दूर रहे हैं. हम on the contrary, being an artist, we being in this limelight. But when it comes to scientists or when it comes to doctors and all, they are the ones who's been serving the nation for the longest amount of time. And being not in the limelight is a very different approach to see. साथ में आप तो क्या छोड़ क्या जरूर? Okay. जैसे कि सर अगर बात करें कसौटी की तो शो में भी काफी twist and turn आ रहा है और आप काफी excellent हो रहे हैं. अभी मैं hospital में हूँ. कोमा में हूँ. इससे बात मत कीजिए. काफी twist and turn है तो थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे इस plot में. काफी बहुत लेला मजनू जैसा feeling पूरा show में आ रहा है. कुछ नहीं, overall मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अनुराग है, बजाज है और प्रेरणा है. यस, अनुराग, बजाज एंड देन प्रेरणा है. बट यस, अभी फिलहाल कमोली का भी चर्चा चल रहे हैं. बट यस, ओवरऑल आई वुड जस्ट से इट्स अ लव स्टोरी, एंजॉय एंड फुल ऑफ ड्रामा. बट राइट नाउ आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग द स्क्रीनिंग ऑफ मॉम. एंड इट्स अ ग्रेट शो, इट्स अ बिग शो. इट्स अ शो अबाउट पर्सनल लाइव्स ऑफ ऑल द साइंटिस्ट एट इसरो. सो आई वॉन्ट टू वॉच दीज पर्सनल स्टोरीज ऑफ वॉट दे हैड टू गो थ्रू, द रियल स्ट्रगल. I have no idea. Okay, thank you so much and best of luck, sir. Thank you so much. Thank you so much.